बार जी लाइबा जी, गाड़ी रोको। सब खैरियत तो है लाइबा जी, क्या हुआ? मैंने कहा एक मिनट गाड़ी रोको। लाइबा जी क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो ये बात पहले ही बहुत देर हो रही है, जल्दी गाड़ी चलाओ। अगर हम सफर आपकी मोहब्बत हो ना, तो सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये मुनासिब नहीं है लाइबा जी, आप प्लीज मेरी बात माने और पीछे जाके बैठ जाए। आपको सेफ नहीं देता इस तरह आगे आके बैठना। कम से कम तुम्हारे साथ तो मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ ना, ये बात। बाकी सब तो मुझे बच्चा समझते हैं, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। पर ये ठीक नहीं है लाइबा जी, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज पीछे जाएं। ठीक है, फिर मैं भी पीछे नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो फिर मैं भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। ठीक है, फिर जब हम हॉस्पिटल देर से पहुंचेंगे और सब तुमसे सवाल करेंगे कि देर से क्यों आए हो, तो मैं भी बिल्कुल चुप रहूंगी। तुम्हें पता है बात, अलिजबा बहुत खुश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे इस तरह देखकर। अनस भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। इंसान की जिंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए ना जो उसके साथ रहे, उसे मोहब्बत करे, तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तुम्हें पता है अनस भाई दिन में कई बार कॉल करते हैं अनिश्बा को, सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो क्या कर रही है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। दूर रहकर भी वो इतना ख्याल रखते हैं अनिश्बा का। मैं चाहती हूँ कि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही मेरा ख्याल रखो, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। क्या हो गया, मुझे मारने का इरादा है क्या? जी आज आप पता नहीं कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या खा लिया आपने नाश्ते में। क्या हुआ? मुझे लगता है कोई वायरिंग का प्रॉब्लम है, मैं चेक करता हूँ, आप यहीं इंतजार कीजिए।